पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 22 अप्रैल 2022 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पिपरा बुजुर्ग थाना गेट के सामने पिपरा नेबुआ रोड पर सफेद स्कॉर्पियो नंबर और 07W9939 पैकेट में कुल 51 किलोग्राम अवैध गांजा जो स्टेपनी का टायर फाड़ कर व गाड़ी के सभी दरवाजों में छिपा कर रखा गया था को बरामद कर दो नफर अभियुक्त प्रेम यादव पुत्र शारदा यादव ग्राम झवटिया पोस्ट मछाहा थाना भिथा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार व अशोक चौधरी पुत्र सुखदेव चौधरी सहरवा टोला मुरहवा पोस्ट व थाना चिलुठा जिला पश्चिमी चंपारण बिहार को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 109 धारा 820 NDPS एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणों द्वारा बताया गया कि उक्त बरामद गांजा संजय बिंद पुत्र जगन्नाथ बिंद तथा संदेश बिंद पुत्र जगन्नाथ बिंद निवासी गण रूपही टांड थाना भिथा जनपद पश्चिमी चंपारण बिहार के कहने पर उड़ीसा से ला रहे थे। पैसों का भुगतान उपरोक्त द्वारा किसी अन्य माध्यम से किया जाता है। हम लोग मात्र वहां से गाड़ी लेकर आते जाते हैं, जिसके बदले में हम लोग को उपरोक्त लोग अच्छा पैसा देते हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बार उड़ीसा से गांजा लाकर संजय बिंद और संदेश बिंद के घर पर पहुंचाए हैं। गिरफ्तार कर सफलता प्राप्त करने वाले नेबुआ नौरंगिया प्रभारी निरीक्षक गिरिजेश कुमार उपाध्याय उप निरीक्षक राघवेंद्र सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया हेड कांस्टेबल मानविंद्र सिंह हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार कांस्टेबल विनोद यादव कांस्टेबल मनोज सिंह थाना नेबुआ नौरंगिया ने गांजा तस्करों पर सफलता प्राप्त की। जनपद कुशीनगर क्षेत्र के अंतर्गत थाना नेबुआ नौरंगिया ने सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम प्रेम यादव और अशोक चौधरी हैं। इनके पास से 51 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 9 लाख रुपए है। इसके अलावा एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है, जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये इस गांजे को रखे हुए थे और इसको ले जा रहे थे बेचने के लिए। ये गांजा बिहार के क्षेत्र से ला रहे थे और इनकी योजना थी कि इसको उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर इसकी खपत करनी थी। इनके जो लिंकेज हैं बैकवर्ड और जहाँ से ये सप्लाई ले रहे थे, उसकी भी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हो रही है। देखिए, इस प्रकरण में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने स्कॉर्पियो गाड़ी में जो दरवाजे थे, तो दरवाजों के अंदर का जो भाग था जहाँ पे मटेरियल होता है, सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसके अंदर इन्होंने इस गांजे को छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में छुपा के रखा था। तो प्रथम दृष्टया अगर आप गाड़ी की चेकिंग करेंगे तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप उस पूरे स्क्रीन को और उस पूरे मटेरियल को उतारेंगे तो वो अंदर दिखाई दिया। तो इन्होंने बताया कि इनको ये जो आइडिया है वो बॉलीवुड की मूवीज से मिला है, जिसमें इन्होंने इस तरीके की हरकतें करके इसको छुपाया था और ये ले जा रहे थे।